हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज डायरेक्शंस। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स गिवन एज जेड इक्वल टू टू इन ब्रैकेट वन माइनस थ्री आई टू द पावर टू अपॉन वन माइनस रूट थ्री आई टू द पावर होल स्क्वायर प्लस फोर। वॉट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। यहाँ पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे। अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो z इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो इसके लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे tan थीटा, tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन a से, और उसके बाद ये देखेंगे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू थीटा रहेगी, अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये हो जाएगा थीटा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये हो जाएगा माइनस थीटा। तो आइए इस बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है जेड इक्वल टू टू वन माइनस थ्री आई टू द पावर टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं वन का स्क्वायर माइनस रूट थ्री आई का होल स्क्वायर अपॉन में इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर दें तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर यानी कि वन प्लस बी स्क्वायर जब करेंगे तो रूट थ्री आई स्क्वायर आएगा। ठीक है, रूट थ्री आई का होल स्क्वायर, और रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा थ्री, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी माइनस वन, तो अल्टीमेटली हमें ये मिल जाएगा माइनस थ्री प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये भी माइनस में आएगा टू अंडर रूट थ्री आई प्लस फोर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये बन जाएगा टू, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो ये हमें मिल जाएगा वन प्लस रूट थ्री आई, सेकेंड ब्रैकेट में वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन में, ये देखिए फोर है ये है वन, तो फोर प्लस वन कितना हो गया फाइव, और माइनस थ्री तो ये बन जाएगा टू माइनस टू रूट थ्री आई। अब देखिए ऊपर तो पहले से ही है टू ब्रैकेट में वन प्लस रूट थ्री आई और सेकेंड ब्रैकेट में वन माइनस रूट थ्री आई, नीचे अगर हम लोग टू कॉमन ले लें तो ये हमें क्या मिल जाएगा वन माइनस रूट थ्री आई। अब देखिए टू से तो ये टू कैंसिल हो गया और वन माइनस रूट थ्री आई से वन माइनस रूट थ्री आई कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली जो हमें जेड की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है वन प्लस रूट थ्री आई। अब यहां पर देखिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू थीटा ही रहती है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड सिंपली हम लोग थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन ए से निकाल लेंगे, और बी की वैल्यू कितनी है रूट थ्री अपॉन ए की वैल्यू कितनी है वन, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी टेन इनवर्स रूट थ्री, और रूट थ्री टेन में किसकी वैल्यू होती है पाई बाय थ्री की, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाय थ्री, जो कि हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है बी में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाई बाय थ्री। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।